हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण के शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेदांता, द मेडिसिटी, गुरुग्राम और राज्य के अन्य सरकारी अस्पतालों के कोविड टीकाकरण सेवा और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत की। बता दें कि इस टीकाकरण कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान लगभग 2 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा। प्रदेश में टीकाकरण कार्यक्रम 77 स्थानों के साथ शुरू हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सभी सावधानियां रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है और इसको लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के नतीजे जल्द ही हम सबके सामने होंगे, लेकिन पूरी तरह टीकाकरण होने तक मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना एवं स्वच्छता पर अनिवार्य रूप से विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव विजय वर्धन ने कहा कि हरियाणा में आज कोविड वैक्सीनेशन लॉन्च हो गई है और प्रदेश में इसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में इस महामारी से लड़ने में स्वास्थ्य विभाग ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम ने पूरी मुस्तैदी से काम किया है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री ने आज इस वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया है, जो कि लगातार चलता रहेगा। उन्होंने बताया कि इस वैक्सीनेशन से लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इस टीकाकरण अभियान के पहले चरण में स्वास्थ्य, सफाई एवं सुरक्षा कार्यों में लगे 3 करोड़ अधिकारियों व कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस टीके की दूसरी खुराक इन्हीं लोगों को 4 सप्ताह के अंतराल में दी जाएगी। इसी प्रकार ये टीकाकरण चरणों में किया जाएगा, जिससे ये वैक्सीनेशन सभी को मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक, अतिरिक्त निदेशक और स्वास्थ्य विभाग के अन्य निदेशकों ने ये टीका लगवाया है, ताकि जनता में विश्वास कायम किया जा सके कि 2 जनवरी यानी आज से 14 दिन पहले जिला पंचकुला में 4 अलग-अलग सेशन स्थलों पर कोविड-19 का जो ड्राई रन किया गया था, उसका एक सफल आयोजन उस समय हुआ था। और 7 जनवरी को पूरे प्रदेश में 132 स्थलों पर ये ड्राई रन ये कर लिया गया है, अर्थात जो प्रारंभिक तैयारियों में ये सारी चीज़ें हुई हैं। 13 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन की 2.4 लाख से अधिक खुराक और कोवैक्सीन की 20,000 खुराक यानी कुल 2,60,000 खुराक जो है पहली आपूर्ति वो हमारे पास आ चुकी है। आगे समय में जब तक टीकाकरण का अवधि पूरी नहीं होती तब तक इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। ऐसी हर प्रकार की तैयारी के बाद मैं कम से कम आश्वस्त हूँ और मुझे आशा है कि बाकी सब इस सारे कार्यक्रम से आश्वस्त होंगे कि ये कार्यक्रम पूरा संपन्न अच्छी प्रकार से हो जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.